आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन से ट्रांसफार्मर में एक नए टॉपिक को लिया है, तो वो टॉपिक का नाम क्या है? एक्चुअल ट्रांसफार्मर। तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के एक्चुअल कंडीशन या प्रैक्टिकल कंडीशन के समय कौन कौन सी वैल्यू को हम लोगों को कंसिडर करके चलना रहता है, और ट्रांसफार्मर पे कौन कौन से एलिमेंट को हमको साथ में लेकर कैलकुलेशन करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि क्या है? एक्चुअल ट्रांसफार्मर। तो इस टॉपिक के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे और सेकेंडरी साइड के इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे, जिनका हेल्प लेके हम लोग आगे फेजर डायग्राम कैलकुलेशन पे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के वैल्यू के कैलकुलेशन पे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्चुअल ट्रांसफार्मर। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर हम लोगों ने कौन कौन से क्वांटिटी को लिया है, उसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर कौन कौन से क्वांटिटी को लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये V1 होता है, V1 को क्या कहा जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग अप्लाइड वोल्टेज। R1 को क्या कहा जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। और X1 को क्या कहा जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। और R1 और X1 के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग इम्पीडेंस। और कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? Z1 से। और E1 को क्या कहा जाता है? E1 को कहा जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। और N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि जो ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 है, वो प्राइमरी वाइंडिंग अप्लाइड वोल्टेज V1 का क्या करता है? अपोज करता है। कौन से लॉ से? लेंज लॉ से। तो ये हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के टर्म्स के बारे में समझा। अब हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म्स को देखेंगे। तो E2 को क्या कहा जाता है? E2 को कहा जाता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। और N2 को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। R2 को क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। और X2 को क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। R2 और X2 के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग इम्पीडेंस। और कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? Z2 से। और I2 को क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग करेंट या फुल लोड करेंट। और V2 को कहा जाता है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन क्वांटिटी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। इन रिलेशन का हम लोग किस में यूज़ करेंगे, फेजर डायग्राम बनाने के लिए यूज़ करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्राइमरी साइड के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन डिटरमाइन कर पाएंगे, उसी प्रकार से सेकेंडरी साइड के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन डिटरमाइन कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर प्राइमरी साइड लिखेंगे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, प्राइमरी साइड को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज V1 है, इस V1 के कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर क्या होगा, I1 करंट फ्लो होगा। और ये जो V1 वोल्टेज का ड्रॉप है, वो किसके किसके वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल में होगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हैं उनके वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये जो E1 वोल्टेज दिया है उनके ड्रॉप के क्या होगा, सम के इक्वल में होगा। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे V1 इज इक्वल टू, ये हुआ ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर के वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पर के वोल्टेज ड्रॉप दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल में होगा। तो लिख लेंगे, तो V1 इज इक्वल टू लिखेंगे रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा उसको हम लोग कैसे लिखते हैं,
आई वन इंटू आर वन करके लिखते हैं, और रिएक्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आई वन इंटू जे एक्स वन लिखते हैं। और अब हम लोग किसके कारण लिखेंगे, ई वन के कारण लिखेंगे, तो यहाँ हम लोगों ने प्लस साइन लिखा, और अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई वन। तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये जो अप्लाइड वोल्टेज वी वन है उसका अपोज कौन करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई वन अपोज करता है। अपोज करने के कारण हम लोगों ने ई वन पे कौन सा साइन लिया है, माइनस साइन लिया है। अब हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो यहाँ से वी वन लिखेंगे, वी वन इज इक्वल टू सबसे पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई वन। अब इन दोनों टर्म से हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, आई वन को कॉमन लेंगे, तो आई वन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, आर वन प्लस जे एक्स वन। और आर वन और एक्स वन के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, इम्पिडेंस कहा जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी वन इज इक्वल टू माइनस ई वन, और ये क्या हो जाएगा आई वन इंटू जेड वन, जहाँ पर जेड वन इज इक्वल टू क्या होगा, किसके किसके सम के इक्वल में होगा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के सम के इक्वल में होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के लिए जो इक्वेशन है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, इस जो इक्वेशन पे यूज़ हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जिस प्रकार से प्राइमरी साइड के लिए इक्वेशन लिखा उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप है या करंट है वो किसके कारण फ्लो होता है, E2 के कारण। तो यहाँ पर का जो वोल्टेज ड्रॉप है E2 वो किसके किसके सम के इक्वल में होगा, ये जो दोनों एलिमेंट है उन पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस यहाँ पर जो लोड के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है V2, इन दोनों के क्या होगा, सम के इक्वल में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू लिखेंगे किसके किसके वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल में होगा, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस पे होगा। तो देखेंगे कैसे लिख सकते हैं उसके लिए, तो I2 इंटू क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस रिएक्टेंस के लिए लिखेंगे, तो रिएक्टेंस के लिए किस प्रकार से लिख पाएंगे, I2 जे एक्स टू, और आखिरी में देखेंगे कौन से वोल्टेज को लेना होगा, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 को लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं V2 को ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से किसको कॉमन लेंगे, I2 को कॉमन लेंगे, तो किस प्रकार से लिख पाएंगे, E2 इज इक्वल टू, जब I2 को कॉमन लेंगे तो कौन कौन सा टर्म बचेगा, बचेगा R2 प्लस J X2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 और JX2 को क्या लिख सकते हैं, R2 और JX2 को लिख सकते हैं I2 इंटू क्या लिखेंगे, Z2 लिखेंगे, और ये किसके बराबर में होगा, Z2 के बराबर में होगा। तो R2 और JX2 के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, Z2 कहते हैं। तो Z2 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे R2 प्लस JX2। लेकिन क्या होता है, ये इक्वेशन कई बार कई बुक में V2 के टर्म्स में दिया होता है, तो इसको हम लोग अब V2 के टर्म्स में लिखेंगे। तो V2 इज इक्वल टू लिखेंगे E2 माइनस कैसे लिखेंगे, I2 इंटू Z2। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंडरी साइड के लिए जो इक्वेशन है उसको कंप्लीट किया। यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमरी साइड के लिए और सेकेंडरी साइड के लिए इक्वेशन को कंप्लीट किया, जिसका हम लोग फेजर डायग्राम या न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।